doing gravitation, right? Names of students who are present here are Arush Arora, roll number 1. I think you note down the roll numbers. They are the real roll numbers. Roll number 1, 16, 25, 28, 25, 28, 41, 44, 45. वेट वेट, आप ले आए हो? सिट क्वाइटली. Yes, acceleration due to gravity. Who will tell me the statement? What is acceleration due to gravity? Copy band karke. Haan. It is the constant acceleration with which an object falls freely. Like I gave you the example of a chalk. Unit is meter per second square. Now we are going to derive a formula for this. Bachche aram se baith jao please. Ho gaya? Le aayo I card. It's okay. Nahi, wo abhi nahi bata sakte. Break thi na abhi. Usse pehle. Ab next break aayegi usme bata denge. So we were doing mass and weight first of all. मास हमने पढ़ लिया था और देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फिजिकल बैलेंस विद विच वी कैन मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आई टोल्ड यू मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? एंड वन थिंग मोर, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. एन ऑब्जेक्ट कांट एवर एग्जिस्ट विदाउट मास. चार्ज के विदाउट एग्जिस्ट कर सकती है, बट मास के विदाउट कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकती, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. एंड द डिवाइस विद विच वी कैन मेजर मास इज फिजिकल बैलेंस. वो जो लेफ्ट पैन राइट पैन वाला होता है ना वेजिटेबल सेलर के पास, वी हैव इन द लैब ऑल्सो द मॉडिफाइड फॉर्म, द गुड वर्जन ऑफ दैट वन, दैट वी यूज टू मेजर द मास ऑफ पेंडुलम बॉब, वी यूज टू मेजर द मासेज ऑफ सॉल्ट. ठीक है, तो वो जो हमारी फिजिक्स लैब में पड़ा है स्लैब पे, आप देख सकते हो वो फिजिकल बैलेंस है. ठीक है, उसमें एक लेफ्ट पैन होता है, राइट पैन होता है. वी कीप द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड इन द लेफ्ट पैन, देन वी कीप ऑन एडिंग द मासेस टू द राइट पैन टिल द बैलेंस इज देयर. फिर हम नोट कर लेते हैं दोनों का मास सेम होता है, तो इसका मतलब अननोन ऑब्जेक्ट का मास भी उतना ही है जितने हमने मासेस एड किए. फिजिकल बैलेंस. सो द डिवाइस दैट वी यूज टू मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस, कॉमन बैलेंस और बीम बैलेंस, कुछ भी कह सकते. फिजिकल बैलेंस जो आपकी वेइंग मशीन है वो भी मास ही मेजर कर रही है. ठीक है, वेइंग मशीन भी मास मेजर कर रही है. देन वी कम टू वेट. अब वेट क्या होता है, ध्यान से सुनिए, गर्ल्स की आवाज भी आ रही है इधर से. बट वेट ऑन द अदर हैंड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. वेट क्या होता है, ये फोर्स होता है. अर्थ जितना फोर्स हम पे लगा रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, नो डाउट. तो लिखिए डेफिनेशन वेट की, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. वेट वेट it is the gravitational force acting on an object. Weight is gravitational force acting on an object. And who is exerting that force? Of course, Earth is exerting. So it is gravitational force acting on an object by Earth, we keh sakte ho. Due to Earth.
अर्थी कर रही है ना, फोर्स कौन लगा रहा है हम पे? हम अपना वेट फाइंड करते हैं, कौन हमारे पे फोर्स लगा रहा है? अर्थी लगा रही है ना, अर्थ हमें पुल कर रही है टुवर्ड्स इट सेंटर। तो जितने फोर्स से वो हमें पुल कर रही है, अब अपने आप को आप कहीं से फ्रीली आप अलाउ करो गिरने के लिए, फटाफट गिर जाओ, तो कौन खींच रहा है आपको अपनी तरफ? अर्थ ना। तो जितना फोर्स वो आपको लगा रही है आप पे, दैट इज कॉल्ड वेट, राइट? नाउ वेट कैन बी चेंजिंग, इट कैन बी वेरिंग। वेट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है? बिकॉज स्मॉल जी चेंजेस। रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। हाँ वही मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो वेट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लाइक आई टोल्ड यू कि अगर अर्थ पे आपका मास 60 केजी है, मून पे चले जाओ वहां पे भी आपका मास 60 केजी ही रहेगा, बट जी वहां पे डिक्रीज हो जाती है। मून पे आपको पता होगा, यू मस्ट हैव हर्ड, इफ वी कीप वन स्टेप हायर ऑन अर्थ वी विल गो 6 टाइम्स हायर ऑन मून। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? ये इस टाइम पे क्या इरेज कर रहे हो, लेके आना कॉपी। यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग। वेयर आर यू नोटिंग डाउन, दिखाओ। हाँ दिखाओ कहाँ लिखो, मास का की फिजिकल बैलेंस से मेजर करते, वेर वेर यू हैव रिटन। हाँ वो लेके आओ, जहां पे नोट किया वो लेके आओ। ठीक है, क्योंकि जी चेंज होता है तो मून पे, दैट मींस वी गो 6 टाइम्स हायर ऑन मून, सो दैट्स व्हाई। वेयर इज दैट फिजिकल बैलेंस, मैंने लिखवाया फिजिकल बैलेंस, कहाँ कर रहे थे? इतना टाइम तो नहीं लगता उसके लिए, आपने लिखा फिजिकल बैलेंस? हाँ यहाँ लिख लिया ना, तो इसको कितना टाइम लगा आपको? हाँ तो हो गया ना, हो जाता है, लिखा जाता है साथ। सो इफ वी कीप वन स्टेप ऑन अर्थ, सेम स्टेप विल गो 6 टाइम्स हायर ऑन मून। मून पे वही स्टेप 6 टाइम्स हायर लेके जाएगा हम। दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेरी लेस ऑन मून, 6 टाइम्स लेस ऑन मून। अगर अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो मून पे जी बाय 6 रह जाती, 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ। ठीक है, तो क्योंकि जी चेंज हो रहा है, अब ये जीरो भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एट द सेंटर ऑफ अर्थ, इफ यू गो टू सेंटर ऑफ अर्थ, स्मॉल जी जीरो हो जाएगा, वहां पे आप फ्लोट करने लग जाओगे, यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस एट द सेंटर ऑफ अर्थ। इन द स्पेस ऑल्सो, स्पेस में, स्पेस क्राफ्ट में आपने पिक्चर्स देखी होंगी कि एस्ट्रोनॉट दे आर फ्लोटिंग, दे आर फ्लाइंग, तो वहां पे एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से ऐसे होता है। तो ये जी चेंज होता रहता है, स्मॉल जी, बिकॉज ऑफ दैट वेट ऑल्सो चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। का मतलब यही है कि अर्थ पे कुछ और होगा, मून पे कुछ और होगा, सेंटर पे कुछ और होगा अर्थ पे, तो वो चेंज होता रहता है वेट, अनलाइक मास। मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, बट वेट विल चेंज बिकॉज जी विल चेंज। और इन दोनों का रिलेशन नोट कर लीजिए, वेट इज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, mg। तो अब एक डिफरेंस था कि मास कैन नेवर बी जीरो, वेट कैन बी जीरो। नेक्स्ट पॉइंट इज वेट कैन बी जीरो आल्सो, लाइक आई गेव यू एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एट द सेंटर ऑफ अर्थ वेट इज जीरो, फॉर एग्जांपल एट द सेंटर ऑफ अर्थ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो। सरफेस पे हमारा कुछ वेट है, अर्थ के सेंटर पे जाके वो जीरो हो जाएगा, हम फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे, स्पेस में भी जीरो हो जाए, नहीं नेगेटिव का इसमें क्या काम है, कोई है ही नहीं ना, हमने क्या करना है नेगेटिव में? ये स्मॉल जी, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स नहीं है, फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने लिखा,
एफ फिजिकल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, वो फोर्स है. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ सी आई हैव रिटन हियर, हेडिंग हमारी मेन है, स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. तो अब वेट को कैसे फाइंड करते हैं? स्प्रिंग बैलेंसिंग. द डिवाइस यूज टू मेजर वेट इज कॉल्ड द स्प्रिंग बैलेंस एंड यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन बिकॉज इट्स अ फोर्स. और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. सो द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. वेट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, वेट को किससे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस. मास को किससे मेजर करते हैं? फिजिकल बैलेंस. और यूनिट ऑफ वेट क्या है? न्यूटन, बिकॉज इट इज अ फोर्स एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज ऑलवेज न्यूटन. स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, इट्स अ स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग, स्प्रिंग वो लिखा हुआ है. आपने देखा होगा ऐसा होता है. ऐसा होता है विद अ पैन अटैच टू इट. तो इसके बैक पे एक स्प्रिंग होता है, ये वो जो स्लिट में से दिखता है हमें. तो जब हम यहाँ पे कोई मास रखते हैं, स्प्रिंग गेट्स एक्सटेंडेड, इट गेट्स स्ट्रेच्ड एंड अकॉर्डिंगली पॉइंटर मूव्स एंड गिव्स अस द रीड. स्प्रिंग बैलेंस में खड़े होते वो तो हमने अभी उसकी बात की, वो तो मास देता है ना आपको, वो वेट नहीं है. वेइंग मशीन गिव्स यू रीडिंग इन किलोग्राम, सो दैट इज गिविंग यू मास, not weight. Weight will be in newton. Weight का जो answer है आपका reading है वो newton में आएगी, right? So now a little work for you is you will write all the differences between mass and weight yourself. ठीक है, अब आपने घर पे copy में लिखने हैं differences as many as you can write between mass and weight. Differences between mass and weight you have to write. ठीक है, 5-6 differences easily आप लिख सकते हो. ठीक है, लिख लोगे? So next time we'll be discussing the points in the class. So come back to acceleration due to gravity. इसका formula derive करते हैं अब हम. Acceleration due to gravity की definition हो गई, अब इसका formula derive करते हैं. So this is earth. A mass m, radius of earth is r, we take a point on earth, या mass on earth, a stone is there, for example lying on the surface of earth whose mass is small m. आप उठ जाओ यहां से एक जना, ब्रिजेश एंड जगनूत, यू ब्रिजेश इधर आ जाओ, सिट हियर. ओके फाइन. So acceleration due to gravity. Now let us take a mass, a stone of mass m, kept on the surface of earth. Earth का surface है, suppose यहाँ पे एक stone पड़ा, ठीक है? अब इसका जो weight है, अभी आपने formula किया, क्या होगा? mg. It will be acting towards the center of earth. Earth के center की तरफ weight act कर रहा है, ठीक है? तो पहले तो लिखते हैं by Newton's law of gravitation. How can we write gravitational force between stone and earth? कैसे लिखोगे? G m1 क्या है? अर्थ का मास. m2 क्या है? स्टोन का मास. Over distance between them is equal to radius of earth now. उनमें डिस्टेंस है रेडियस ऑफ अर्थ के जितना, स्क्वेयर. ठीक है, जस्ट इन प्लेस ऑफ m1 m2 I have written mass of earth and mass of stone. क्योंकि यहाँ पे हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ. और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? वो स्टोन. उनके मासेस लिख दे. सो कैन वी मॉडिफाई द एक्सप्रेशन लाइक दिस?
अब बाय डेफिनेशन ऑफ वेट जो अभी हमने की है, बाय डेफिनेशन ऑफ वेट W किसके इक्वल होता है mg, और वेट होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर एक ही आर्टिकल में ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं F सिंबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, सो जस्ट फॉर दिस आर्टिकल लेट्स राइट F इज इक्वल टू mg इन प्लेस ऑफ W इज इक्वल टू mg, क्योंकि वेट भी तो फोर्स ही होता है, फोर्स ऑलरेडी हमने लिख लिया तो उसको भी F ही लिख देते हैं। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बाय डेफिनेशन ऑफ वेट हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया mg होता है, और ये भी एक फोर्स ही है। कंपेयरिंग 1 and 2 नाउ, अब इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो कंपेयर देयर राइट हैंड साइड, mg इज इक्वल टू gmm बाय r स्क्वायर। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी तो सेम ही होगी ना, इधर दोनों की राइट साइड्स को इक्वेट कर दिया, स्मॉल m गेट्स कैंसल्ड एंड वी गेट द फॉर्मूला स्मॉल g, दैट इज gm बाय r स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो इसीलिए इन बिटवीन मैंने मास और वेट करवा दिया डिस्कस, बिकॉज वी वर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला वेट। हाँ, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है, ये सारा नोट करना है बच्चे, तभी करवा रही हूँ आपको। आपका क्वेश्चन ये है, डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिराइव द फॉर्मूला। आपने डेफिनेशन लिख ली थी, आप फॉर्मूला लिख लिया, डिराइव कर लिया, आप सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बोथ थिंग्स आर देयर। हाँ जी, ये नोट करिए, डेरिवेशन है ये। हाँ जी, बाय डेफिनेशन ऑफ वेट शॉर्ट फॉर्म सारा लिखना है, वो तो वो पूछ रहा है कि ये क्या लिखा है, डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म लिखी है। सो नोट दिस डाउन, ऑल राइट, गेट अप, वेरी टॉकेटिव यू आर, योर नेम इज भावांश, इधर आओ मेरे सामने बैठो। Note it down. So let us calculate its value for Earth now. अब यहाँ पे क्या है? Capital M किसका मास है? Earth का. Capital G is gravitational constants और capital R क्या है? Radius of Earth. That means stone के मास पे depend नहीं कर रही. तो ये note करिए, point acceleration due to gravity does not depend upon mass of object. That is falling. तो चाहे मैं चौक गिराऊं, बॉल गिराऊं, या मैं पैन गिराऊं, जितनी मर्जी हैवी ऑब्जेक्ट गिराऊं, सभी कितनी एक्सेलरेशन से अर्थ पे गिरेंगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। स्मॉल जी लिख लो ना, स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये उस प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग एक्चुअली। ठीक है, चाहे चौक गिरे या कोई हैवी ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा कोई बॉक्स गिरे, सभी 9.8 मतलब सभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, सभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डाउनवर्ड्स फॉल करेंगे। अब बोलो, इट वेरीज। हाँ, तो अभी हम इसको अर्थ के लिए कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, वो अभी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फिर आप खुद ही देखना। लेट अस कैलकुलेट इट फॉर अर्थ नाउ, लेट अस कैलकुलेट इट फॉर अर्थ। जी की वैल्यू आपको पता है, ये 6.67 थी, हम उसको 6.7 ले लेते हैं, इनटू 10 रे पावर माइनस 11, आप
अगर कंफ्यूजन होती है 6-7 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थ का मास है 6 × 10^24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो उसको मैंने मीटर में कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग विद 1000। अर्थ का रेडियस कितना है नोट करिए, 6400 किलोमीटर। वही कैलकुलेट कर रहे हैं। कैपिटल जी की वैल्यू नहीं लर्न हुई अभी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू विद यूनिट बताई थी ना आपको, 6.67 × 10^-11। दैट वैल्यू वी हैव पुट हियर, 6 × 10^24 kg इज मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, हमें मीटर में लिखना है तो इंटू 1000 कर दिया। अब आप चेक करिए, सॉल्व दिस, 6400 किलोमीटर। चलो सॉल्व करिए इसको, कितना आंसर आता है। कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, यू हैव टू डू ऑल द कैलकुलेशंस बाय हैंड, और जब एमसीक्यू होते हैं तब तो और भी आपके पास टाइम कम होता है, सॉल्व करके ही आंसर आएगा ना। तो यू हैव टू ये प्रैक्टिस करिए विदाउट कैलकुलेटर, घर पे भी कैलकुलेशंस विदाउट कैलकुलेटर करनी, यू वॉन्ट टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो मैं आपको एक इजी वे बताती हूँ हाउ टू डू लेंथी कैलकुलेशंस। सपोज आपको लग रहा है कि क्वेश्चन छूट रहा है मेरा, उस केस में राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेट आंसर मैं बता रही हूँ, परफेक्ट आंसर तो सॉल्व करके ही मिलेगा। लाइक आप थोड़ा सा राउंड ऑफ कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते हो। 6.67 को आप 6.6 लिख लो, ठीक है, इंटू 6 है, 10^24 − 11 ये कितना हो गया 13, ठीक है, 6400 × 6400 × 10^3 का स्क्वायर, दैट इज 10^6, ये हो गया। अब आप थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, 6.6 को 6.4 भी ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा आप राउंड अबाउट ले सकते हो। तो ये कितना हो गया आपका, इंटू 10 और आ गया, ये आपका आ गया 100 यहाँ पे, राइट, ये आपका 6 हो गया, और ये थोड़ा सा इतना सा सॉल्व कर लो चलो, ठीक है। हाँ जी, जब कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो, मैंने अभी कहा, आप सुन नहीं रहे थे, मैंने कहा कि जब आपको लगे आपका क्वेश्चन छूट जाएगा तब आप ऐसे कर सकते, ठीक है, उस केस में थोड़ा सा आप राउंड अबाउट ले सकते हो, पर वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, बट बहुत क्लोज होगा, डोंट वरी, राइट। तो ये आप पहले 2 पे कर लीजिए, ठीक है, फिर 3 से कर लीजिए, 166.6 आ गया ये, राइट। अब ऊपर तो कुछ भी नहीं है आपका, 10^13 है, चेक इट आउट, नहीं इतना ही आया, 167 है ना, मल्टीप्लाइड बाय हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइड बाय 3 की है, 501, ये इतना ही आएगा, 106 आ रहा, ठीक है ना ये। चलो मैं आपको वे बता रही हूँ, बाकी आप करना। ये देखो 10^6, 7 और 209 हो गई, 10^9 हो गई यहाँ पे, ये वाला 6 भी छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 13 − 9 = 4 हो गया, ठीक है, ओवर 16। अब इतना सा तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, 1000 ले लो, 10 अलग से ले लो, 10 4 0 है ना 3, अब 1000 का 166 से डिवाइड करना इजी होगा आपके लिए, तो वो कर लो, आपका राउंड अबाउट आंसर है। चलो करके बताओ कितना,
how much exact answer if you solve this will be 9.8 और क्योंकि acceleration है unit will be meter per second square so value of small g for earth is 9.8 meter per second square अर्थ के लिए ये वैल्यू है इसका मतलब जो चौक मैं गिरा रही थी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉल कर रहा है नहीं 9.8 एग्जैक्ट आंसर है राउंडेड ऑफ अब देखो क्या आता है आपका 10 आ रहा है यहाँ कितना आया आप सॉल्व कर क्या ले सकते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हो हाँ वो तो एक ही बात है वो जैसे मर्जी करो वो कोई प्रॉब्लम नहीं दैट्स अप टू यू ठीक है ये किसी ने सॉल्व किया कितना आ रहा है हाँ दिखाओ पकड़ाओ ये 6400 का स्क्वायर है ये चेक करना पड़ेगा ठीक है ओके फाइन एक बहुत ही अप्रोक्सीमेट तरीका और बताती हूँ आपको उससे अभी आंसर आ जाएगा ये देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वी कॉल इट 6.67 जो नंबर ग्रेटर देन 5 है उसको 10 ले लेते हैं जो लेस देन 5 है उसको इग्नोर कर दो 5 तो 6.6 को आप 10 मानोगे इंटू 10 इज पर -11 6 को भी 10 ले लोगे इंटू 10 इज पर 24 ठीक है 6400 इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी मतलब ये 6.4 इंटू 10 रेस पर 6 है ना डिनोमिनेटर में आप इसको 6.4 को भी 10 मान लो 6 से 5 से ग्रेटर को 10 मान लो अब देखो क्या बना आपके पास ये 100 इंटू 10 रेस पर 13 ये 10 रेस पर 7 का स्क्वायर 10 रेस पर 14 ठीक है अब 14 में से ये दो जीरो कट गई 12 रह गया 13 माइनस 12 10 तो देखिए आपका रियल आंसर 9.8 था अब कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना क्लोज है उसके तो 9.8 था अब 10 आ रहा है और जी की वैल्यू हम 10 लेते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम कई बार इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं न्यूमेरिकल पर्पसेस में वहां उन्होंने खुद ही गिवन दिया होता है कई बार कि टेक जी 10 ठीक है तो देखो ये कितना सिंपल है ये इससे भी आपका आंसर कितना क्लोज आ रहा है तो अगर आंसर बिल्कुल छूट रहा हो आपको कम से कम एमसीक्यू में ऑर्डर तो पता चल जाएगा ना क्या आने वाला है 10 की पावर कितनी है तो तब आप ये भी यूज कर सकते हो अदरवाइज तो टाइम है तो यही करना है प्रॉपर बट राउंड अबाउट यू कैन यूज नाउ ऑन मून मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ अर्थ पे हमने अभी कैलकुलेट की 9.8 सो 1/6 ऑफ दैट 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो नोट डाउन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज क्वाइट स्मॉल एंड दैट इज 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ और मून की नोट कर लो मतलब वो जो 6400 था उस पर 10,000 ले लो है ना उस पर 10,000 ले लो क्लियर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब एक और काम करना है इन योर कॉपी यू विल राइट डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी आल्सो एज मेनी डिफरेंसेस एज यू कैन राइट
तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं इन दिस चैप्टर, डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. ये डिफरेंसेस काफी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. ठीक है, डिफरेंसेस डाल दिए जाते हैं. तो राइट एज मेनी डिफरेंसेस एज यू कैन राइट, वी विल डिस्कस. कॉपीज आपकी चेक होंगी नेक्स्ट वीक, अब ऑफलाइन ही चेक होंगी. तो नेक्स्ट वीक आप लोग अपनी ये ग्रेविटेशन खत्म होने दो, उसके बाद ही मैं कॉपी चेक करूंगी आपकी. कोर्स तक तो चेक देना आपकी, ये वाला चैप्टर है जो, तो लेट इट बी ओवर. तो मैं हाफ चैप्टर की, ये हाफ चैप्टर ही है ग्रेविटेशन, तो इसकी मैं नेक्स्ट वीक चेक करूंगी. हाँ, टेस्ट विल बी नेक्स्ट वीक और साइंस का टेस्ट कंबाइंड होगा. वन टीचर विल बी कंडक्टिंग द टेस्ट. लाइक योर टेस्ट डे इज विच, which one? Friday. So on Friday, whosoever will be having period here, हाँ chemistry का ही होगा या bio का, तो राखी मैम will take your test. उसी में 5-5-5 questions होंगे, मतलब 5-5-5, total 15 marks का paper होगा science का. आपको sheet पे करना है, क्योंकि mix होगा subjective plus objective. हाँ, देखो अगर एमसीक्यू है फिर तो आपको निकाल के ही पता लगेगा कितना, अदरवाइज तो ऐसे हो गया.